नमस्कार दोस्तों, आप सभी ऋषभ पंत को दुनिया भर के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में, और जब मुंबई को मिली हार दिल्ली से तो पॉइंट्स टेबल में आखिरकार कैसी घटना घटी, आइए एक एक करके आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। और उसके बाद देखिए दिल्ली कैपिटल्स के जीत के बाद आपको बता दें, जैसे जीत मिली उसके बाद पूरी तरह से पॉइंट्स टेबल में मच गई उलटफेर और मुंबई इंडियंस को लगा झटका तो सीएसके को मिला फायदा। आपको बता दें जो कि इस मुकाबले में लगभग मानिए बाहर होता हुआ नजर आ रही हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स भी काफ़ी ज़्यादा नीचे की ओर थे, लेकिन वहाँ पर ऊपर की ओर दिल्ली कैपिटल्स बढ़ने का प्रयास कर दिए और बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दें, इस मुकाबले में ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाजी लाजवाब चली, शानदार चली। देखिए इस मुकाबले में लखनऊ के भी मैच खेले गए थे, और साथ में आपको बता दें जो कि किनसे तो मुकाबला खेला गया था, आपको बता दें जो कि सनराइजर्स हैदराबाद भी नहीं थे, ये टीम थे राजस्थान। और राजस्थान देखिए नए मैचों में 8 मैच को जीत के 16 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ से दिल्ली कैपिटल्स को पॉइंट्स टेबल में माइनस है, नहीं तो वो लखनऊ को नीचे कर देते। लखनऊ के पास ना माइनस है ना प्लस है, 0-0-0 सब चीज़ें। अगर अगला मैच लखनऊ हारते हैं किसी भी टीम से तो उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स अपना पकड़ बना लेगी चौथे स्थान पर। चेन्नई जीते तो चेन्नई भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर ही आरसीबी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे की ओर है, उनके पास उतने ज़्यादा ना पॉइंट है और ना ही पॉइंट्स टेबल में ऊपर की ओर है। और जितना ज़्यादा मुंबई के है उतने से 2 पॉइंट मात्र कम है, यानी कि एक मैच ही कम जीते हैं। इस प्रकार ये पॉइंट्स टेबल है, दूसरे नंबर पर केकेआर तो तीसरे पर सनराइजर्स हैदराबाद। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।